हैं कि लोगों ने बताया उस गांव के और अगल बगल के और भी सभी लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इस गांव की एक कई सौ साल पुरानी परंपरा है कि इस गांव में कोई 35 वस्तुएं ऐसी हैं, प्याज, लहसुन और शराब, भांग, धतूरा, गांजा या और भी अन्य जो व्यसन की या नशे की चीज़ें हैं, इस गांव के लोग उनका सेवन नहीं करते हैं। तो इन लोगों के द्वारा एक डिमांड की गई कि हम लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया जाए। फिर इसके बाद इन्हीं की डिमांड पे ये जांच कराई गई दो एजेंसीज के द्वारा, संबंधित थाने के द्वारा, कि थाना अपना इनकी जांच करे क्या ये बात सत्य है। तो ये बात सत्य पाई गई। फिर एक जांच हमने तहसील स्तर से कराई और उसमें तहसीलदार साहब और थाना अध्यक्ष से ये रिपोर्ट आई कि वास्तव में ये लोग और इनकी जो नई जनरेशन है वो भी इन सभी वस्तुओं से, नशे से और व्यसन से बिल्कुल दूर है और इसका ये सेवन नहीं करते। क्या नाम है आपका? श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, जो आज प्रमाण पत्र मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज हमारे गांव को प्रमाण पत्र मिला है। पहले तो कोई पूछता था कि हम बताते थे ऐसी चीज़ कोई इनसे नहीं खाते हैं, तो कोई यकीन करता था, कोई नहीं करता था। इसलिए आज हमारे पास इस चीज़ का सबूत भी है। आज हम बहुत खुश हैं जो हमें प्रमाण पत्र मिला है, इसलिए आज तक कोई खाते। मेरा नाम बुद्धा महंत बुद्धास जी है और मैं यहाँ का महंत हूँ। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि आज जिलाधिकारी ने, तो करीब 600 वर्ष पुरानी बात है, जब यहाँ श्री गुरु बाबा फकीरदास जी आए और इस गांव को उन्होंने उजागर कराया, क्योंकि ये अंधकार में पड़ा आया था, सभी नशीले पदार्थ इस गांव में थे। तो उन्होंने यहाँ गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, भाई तुम ये क्या काम करते हो, ये तो बहुत बुरा काम है। तो गांव वालों ने उनकी बात सुनी, कुछ उन्होंने चमत्कार दिखाया, बिन भाई भैंस के नीचे से दूध निकाल लिया और उन्होंने इन्हें सबको समझाया कि भाई ये नशा मुक्ति इसे बंद कर दो, इस तक पीने का कोई लाभ नहीं है और दूध घी ऐसी चीज़ खाओ जिससे ताकत बने और हम अपना आगे अच्छा कार्य करें।